सुबह भी कहा, ये मेरा विषय नहीं, ये राष्ट्रीय नेतृत्व का विषय है और सब चीजें राष्ट्रीय नेतृत्व के ध्यान में। सर आज जो बैठक हुई है नीति आयोग की, धौलपुर जानकारी आज आने पर मिल गई होगी? नहीं मिश्रा जी, है मुझे जानकारी, मैं 89 में यहाँ धौलपुर था और वो इसी वजह से तो ये उस पैरामीटर में आ गया कि अभी उसका अपेक्षित विकास होना है, इसीलिए 115 जिलों में ही आया। इसलिए विकास होना है तो किन किन सेक्टरों में तेजी से विकास होना, उसी के लिए बैठे हैं। एनजीओ भी हम अच्छा कुछ यहाँ सीमित करेंगे, जो इंडस्ट्री के लोग हैं उनको भी हमने कहा भी आपकी डिमांड काय की है, ताकि रोजगार के अवसर भी, स्किल डेवलपमेंट भी उन्हीं में करें जिनमें इंडस्ट्री की डिमांड है। नहीं, केंद्र सरकार धौलपुर को अच्छी फंडिंग दे, जिससे फंडिंग का विषय भी रहेगा, कुछ ऐसी योजनाएं भी हमने यहाँ कहा कि जैसे ये रिवाइंस का एरिया है, फिल्म इंडस्ट्री भी यहाँ विकसित हो सकती है क्योंकि कुछ फिल्म वाले यहाँ आने लग गए, ऐसा मुझे बैठक में सूचना दी। कुछ ऐसे इकोसिस्टम यहाँ डेवलप हो सकता है, सनसेट के पॉइंट हो सकते हैं, प्राकृतिक सौंदर्य है उसके लिए कुछ पॉइंट हो सकते हैं, तो टूरिज्म डिपार्टमेंट का भी काम रहेगा। कुछ प्लान यहाँ से राजस्थान सरकार के माध्यम से जाएंगे केंद्र सरकार को, निश्चित रूप से उनमें फंडिंग भी आएगी, जो एक कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करके एक योजना हमारी सीएसआर की योजना है, उसके तहत भी यहाँ एक विषय आया कि स्कूलों में सोलर लाइट लग जाए तो बेटर रहेगा। तो सारी हमने संभावनाएँ तलाशी है और निकट भविष्य में बहुत जल्दी मैं धौलपुर आऊँगा और मैं चाहूँगा कि आपके साथ भी इस विषय पर अलग से बैठूंगा, घंटा दो घंटा भी, आप क्या सोचते हो कि धौलपुर का डेवलपमेंट कैसे तेजी से हो सकता है, इस पर मैं आपसे भी फीडबैक दूँ। सर अभी कुछ दिनों से देश में नोटबंदी के बाद में नोटबंदी के हालात हो गए, ये कुछ भ्रम फैलाया जा रहा है ज़्यादा, जो मैं समझ रहा हूँ कि कभी कभी डिमांड एंड सप्लाई का विषय हर सेक्टर में होता है। हमारे वित्त मंत्री जी ने साफ साफ कहा कि भाई ये दो तीन दिन की कुछ जगह, जिसमें उन्होंने यूपी बिहार के कुछ स्थान भी दिए थे कि यहाँ कुछ दिक्कत आई है जिसको हम दूर कर देंगे, और दूर कर दिया है। तो ये टेम्परेरी जो कई बार विषय आता है उसको लेकर के जो कई बार भ्रम फैला देते हैं, वो स्थिति नहीं है। प्रॉपर सप्लाई है, कोई करेंसी की कमी नहीं है देश में,